बनगड़िया में प्रदेश और देश स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला कबड्डी खिलाड़ियों को ट्रैक सूट देकर किया गया सम्मानित। ग्रामीण खेल प्रतियोगिता गोरखपुर मंडल की महिला कबड्डी प्रतियोगिता बलिया जनपद के स्टेडियम में रविवार 16 जनवरी को आयोजित की गई, जिसमें आजमगढ़ मंडल की तरफ से महिला कबड्डी की टीम ने गोरखपुर मंडल की टीम को 35-12 से पराजित किया। प्रथम स्थान आने व प्रदेश स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चयन होने पर सगड़ी तहसील क्षेत्र के प्राथमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल पर शहीद RS पाल एकेडमी बनकटिया की महिला कबड्डी की 30 खिलाड़ियों को गोपालपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्याम नारायण यादव के पुत्र सुभाष यादव ने ट्रैकसूट देकर सम्मानित किया। वहीं उन्होंने महिला खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए अपने क्षेत्र व जनपद का नाम रोशन करने पर बधाई दी। पूर्व में एकेडमी की सुप्रिया पाल व दीपमाला पटेल का हरियाणा प्रो लीग कबड्डी प्रतियोगिता में चयन होने पर उन्हें भी सम्मानित किया। वहीं महिला कबड्डी की सुप्रिया पाल, डिंपल यादव, रंजना, शिखा, प्रीति, अंजू, अंतिमा महिला कबड्डी की विजेता रही, जिनका लखनऊ के स्टेडियम में 16 फरवरी को प्रदेश स्तरीय खेल के लिए चयन किया गया है। इस दौरान युवा नेता सुभाष यादव, महिला कबड्डी कोच मुकेश कोड़, रामा साहनी, योगेंद्र पाल, अवधेश राय, रामलेश पटेल, वसंत सिंह पटेल, शिवानंद यादव सहित दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। सर, ऐसा है कि ये बच्चियों की कबड्डी की टीम है और आजमगढ़ में एक नंबर की एक कबड्डी की टीम है। कुछ दिन पहले यही बच्चियां मध्य प्रदेश जाके आजमगढ़ ज़िले का नाम रोशन करके आई थी। तभी भी हम हो गए, फौजी भाई हो गए, डब्लू भैया, हमारी सारी टीम ने इन बच्चियों की हौसला अफजाई किए थे। और अभी कल ही की बात है, ये बच्चियां बलिया गई थी, बलिया से भी ये फर्स्ट नंबर पे आके जीत की शील्ड लेके आई हैं। तो यही बात हुई, कोच साहब से बात हुई कि हम सब जो जिम्मेदार नागरिक हैं, इन बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए इस ठंडी में ट्रैक सूट का ये डिसीजन हुआ था कि बच्चियां आएंगी तो उनको ट्रैक सूट दिया जाएगा। खैर, जहाँ तक ये ट्रैक सूट देना या कुछ मदद करना, ये तो काफ़ी छोटी सी बात है, लेकिन इन बच्चियों का जो हौसला है वो काफ़ी बुलंद है। मैं देखता हूँ कि ये बच्चियाँ जहाँ जाती हैं वहाँ पे अपना फर्स्ट नंबर ला के इस आजमगढ़ ज़िले का नाम रोशन करके आती हैं। तो इन सब से हम सबको बहुत खुशी होती है, एक तरीके से भाई हम लोगों का या इस आजमगढ़ ज़िले का नाम रोशन होता है। खेल को हमने बहुत करीब से देखा है। निश्चित रूप से यह एकेडमी जो इसमें बनकटिया ग्राम में जोगिंदर पाल द्वारा चलाई जा रही है, मैं खास करके जोगिंदर पाल को मतलब हृदय से बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उनका कि ये सुदूर ग्रामीणांचल में आकर के इन्होंने बच्चियों के लिए इतना बड़ा काम खेल को लेकर के और खिलाड़ियों के लिए जो कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से मतलब पूरे इस क्षेत्र के तमाम लोगों की तरफ से मैं योगेंद्र पाल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जिस तरीके से कम समय में 2-3 साल के अंदर बच्चियों ने अपना परफॉर्मेंस में सुधार किया है और सुधार कर रही हैं, निश्चित रूप से यह उनका प्रयास अनवरत जारी रहा तो आगामी 2-1 साल में इन्हीं बच्चियों में से निश्चित रूप से 5-7 बच्चियां अगले साल जो है नेशनल खेलेंगी, हमारी शुभकामनाएं हैं, और निश्चित खेलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बच्चियों को शुभकामना देता हूं कि यह बच्चियां नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर तक आगे जाएं और जाएंगी।